पहाड़ों से कहते हैं
से कहते हैं मसीहा के परवाने। हाँ यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो, यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो, यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो, यीशु नाम से उड़ो, कलाम से उड़ो। बीमारी के ला जारी के ना धारी के पहाड़ो उखड़ो 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 पहाड़ों में हंसते हैं आगे दीवाने। मजबूत है पुरजोर है वे दिलना होते हैं खुदा के बेटे बेटियां शहजोर होते हैं। मजबूत है पुरजोर है वे दिलना होते हैं खुदा के बेटे बेटियां शहजोर होते हैं। मजबूत है उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हाँ पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। उखड़ो 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 पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हंसते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया और रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। सुने दिया अपना बसा दिया अपना जहन मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया वो रंग लिया दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग संग संग। दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग संग संग। चौपाल बना वो एक अजबी खुशी एक अनोखा मजा मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया। मोहे प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप धूप धूप। मोहे प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप धूप। यीशु है खुदा वो ही देता है फल उसी में मेरी शक्ति यीशु है वफा। मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया वो मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया। मुझे अपना रूप दिया रख लिया मुझे रख लिया रख लिया मुझे रख लिया ओ रख लिया मुझे रख लिया रख लिया।
अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया और बनना नफा 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 अब जीना मसी 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 और बनना नफा 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 जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही ओ ओ ओ मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया ओ मांग लिया मुझे अपना रूप दिया रख लिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया रख लिया मोहे रख लिया ओ रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना दर मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया रख लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बना वो एक अनोखा मजा दिल जाग बना वो ओ ओ ओ सग लिया मोहे सग लिया सग लिया मोहे सग लिया ओ सग लिया मोहे सग लिया सग लिया मोहे सग लिया सुने दिया अपना मजा दिया अपना दर मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख दिया मोहे रख दिया मोहे अपने लहू में रख दिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर अपना रूप दिया दिया मोहे रख दिया रख दिया मोहे रख दिया ओ रख दिया मोहे रख दिया रख दिया मोहे रख लिया रूप 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 चाहे शाह हो या धूप 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 वही प्यारे का रूप 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 चाहे शाह हो या धूप 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 यीशु है खुदा वो भी देता है फल उसी में की छल यीशु है वफा अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया
लिया मोहे रंग लिया वो रंग लिया मोहे रंग लिया वो रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर ने अपना डूब दिया रंग लिया मोहे रंग लिया पीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 लिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपाल बना वो एक अजबे खुशी एक अनोखा मजा दिल जान बना वो हो 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 संग लिया मोहे संग लिया संग लिया मोहे संग लिया संग लिया मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया वो प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप 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 वो प्यार का रूप 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 चाहे शाम हो या धूप धूप यीशु है खुदा वो ही देता है फल उसमें नहीं शक यीशु है वफा मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया ओ मांग लिया मोहे मांग लिया मांग लिया मोहे मांग लिया मुझे अपना रूप दिया रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया ओ रख लिया मोहे रख लिया रख लिया मोहे रख लिया सुने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रख लिया रख लिया मोहे रख लिया अब जीना मसी 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 और मनना नफा 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 अब जीना मसी 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 और मनना नफा 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 जपता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना कहता हूँ यही ओ ओ ओ मांग लिया मोहे मांग लिया मुझे अपना रूप दिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना दे मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहर मुझे अपना रूप दिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया ओ रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया दिया जी
संग 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 दिया जीने को रंग 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 रूहे पाक किया संग 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 चौपान बना वो एक यज में खुशी एक अनोखा मजा या हालेलुया हालेलुया सब थैंक्स करें तारीफ करें परमेश्वर का धन्यवाद दें सब जन जितने ऑनलाइन हैं जहां जहां से भी आप अपने घरों से देश विदेश से इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है धन्यवाद देते हुए तारीफ करते हुए होंठों को खोलते हुए परमेश्वर की हजूरी उसकी प्रेजेंस के लिए खुदा के दास के लिए परमेश्वर की दासी के लिए धन्यवाद देते हुए प्रेयर माउंटेन की इस प्रार्थना के साथ इस पवित्र स्थान के साथ जितने जन भी विश्वास के साथ जुड़ते हैं खुदा उनके जीवन में अद्भुत रीति के साथ काम करता है लगातार इस ग्रेस के द्वारा लोगों की जिंदगियां जो अपनी लाइफ बिल्कुल टूट चुकी थी बिखर चुकी थी परमेश्वर ने उन्हें फिर से रिस्टोर किया है और उन्हें आशीषित किया निराशा को आशा में बदला है परमेश्वर ने पूर्ण आनंद दिया है परमेश्वर ने जो लोग इस ग्रेस का ऑनर करते हैं जो परमेश्वर की हजूरी में पूर्ण आनंद से विश्वास के साथ जुड़ते हैं परमेश्वर उनको ब्लेस करता है हालेलुया और हम लगातार देखते हैं ऐसी बहुत सारी गवाहियों को कि जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ काम किया ऐसे काम परमेश्वर करता है उनके जीवनों में कि असंभव जो लोग निराशा में रहते हैं हो नहीं सकता डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लोग टूट चुके हैं प्रभु उनकी लाइफ में काम करता है आज भी हमारे दरमियाने एक ऐसी ही गवाही है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है और आपने बड़ी ध्यान से इस गवाही को सुना है जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं जब आप ध्यान से सुनते हैं परमेश्वर आपको छूता है प्रभु आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है हालेलुया क्योंकि गवाहियों जब जिन जिन ने भी विश्वास के साथ सुनी है परमेश्वर ने उनके विश्वास को इनक्रीज किया उन्हें बढ़ाया है हालेलुया हमारा विश्वास है आज का दिन भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अद्भुत और ख़ास रहेगा हालेलुया चलिए बात करते हैं उस परिवार से उस सिस्टर से जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ काम किया है सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा नाम ब्रदर सारा है कहाँ से हैं मैं जलंधर से हूँ आपकी गवाही जो है वो बेबी की गवाही है जी ब्रदर आपके हस्बैंड का क्या नाम है सुरजीत कुमार है और सिस्टर आप फिर खुद बताएं क्या गवाही है आपकी लाइफ में परमेश्वर ने क्या काम किया आपके जीवन में मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने मुझे बेटे की आशीष दी है आप शुरुआत में दसें कैसे कैसे आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई क्या क्या परेशानियां रहीं जिनका सामना आपने किया है कैसे हालात रहे निराशा में रहे कैसे खुदा ने आपको ब्लेस किया फिर ये एक भाई मेरे हस्बैंड की है उनकी ना सेकंड मैरिज थी और मेरी भी सेकंड मैरिज थी तो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं थी प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया उनकी लाइफ में आपकी भी सेकंड मैरिज है और आपके हस्बैंड की भी उनकी जब पहली मैरिज हुई थी तो क्या मुश्किलें क्या दिक्कत रहती थी उनके जीवन में उनकी पहली मैरिज में भी यही प्रॉब्लम थी जो सेम मेरी मैरिज में थी मतलब कि उनकी वाइफ जब भी प्रेग्नेंट होते थे तो उनका मिस कैरेज हो जाता था और उसी के कारण वो डिस्टर्ब रहते थे परेशान रहते थे जी ब्रदर और उसके उनकी मैरिज के काफी साल बाद तक उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन ट्रीटमेंट चलते रहे मगर कहीं से भी कोई उनकी लाइफ में ब्लेसिंग या आशीष नहीं आई जो वो ब्लेस नहीं हो पाए और फिर आपके साथ उनकी सेकंड मैरिज हुई है जी ब्रदर क्या परेशानी रही आप खुद बताएं आपकी लाइफ में क्या हुआ फिर मेरी लाइफ में वही जो सेम इनकी फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम थी वही सेम मेरी मेरी मैरिज में थी क्या होता था आपकी मैरिज कब हुई थी मेरी मैरिज 2012 में हुई थी 2012 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में प्लान किया तो क्या हुआ मैरिज के बाद 3 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया मैरिज के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए तो 3 मंथ के बाद मिसकैरेज होगा जी ब्रदर क्या कारण था मिसकैरेज का मिसकैरेज होने की वजह यही थी कि सपने में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही थी दुष्ट आत्मा नजर आती थी डर लगता था दबाव पड़ता था आपको जी ब्रदर क्या और क्या क्या होता था आपको
बस दुष्ट आत्मा की वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हर टाइम, किच-किच कह लो, कुछ भी ऐसा हर टाइम रहता था। और जब फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए, 3 महीने के बाद मिसकैरेज हुआ, जी ब्रदर, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 2013 में फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर से सेम प्रॉब्लम, फिर से सेम प्रॉब्लम हुई, अटैक बढ़ रहे थे दुष्ट आत्मा के। जी ब्रदर, पहले प्रेगनेंसी में जैसे मिसकैरेज हुआ 2013 में, फिर से प्रेग्नेंट हुए तो फिर आपको अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई। जी ब्रदर। और जिसके कारण आपका मिसकैरेज हो गया। और फिर 2014 में वही सेम प्रॉब्लम, 2014 में आप फिर प्रेग्नेंट हुए, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर सेम वही दुष्ट आत्मा के अटैक वगैरह सब वो सेम हो रहा था। क्या को बुरे सपने आते थे, क्या होता था? जो सपने मेरे हस्बैंड को आते थे मुझे नहीं आते थे, मतलब कि मुझे बस लड़ाई झगड़ा, बस गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़ा होते थे। और उसके कारण आपके दोनों के बीच में बनती नहीं थी? जी, छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाना, लड़ाई झगड़ा करना, और ये सब चल रहा था। जी, 2014 में फिर आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए, थर्ड से बाद, फिर फोर्थ बार, फिर से 2014 में ही आप प्रेग्नेंट हुए। जी ब्रदर। फिर क्या हुआ फोर्थ बार? मेरा 7वें महीने में अबॉर्शन हो गया था। 7वें मंथ में फिर मिसकैरेज हो गया। जी ब्रदर। और ये सब आपके साथ चल रहा था, बार बार जब आपका मिसकैरेज हो रहा था, क्या क्या महसूस करते थे, क्या कैसी लाइफ थी, कैसे उस समय क्या सोचते थे आप? वो लाइफ तो मैं बयान भी नहीं कर सकती कि कैसी लाइफ थी, पर जो भी था बहुत बुरा था। क्या कहते थे लोग, क्या कहते थे परिवार, क्या क्या आता था खुद के मन में? परिवार बोलता था कि कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, और लोग भी ऐसे ही बोलते थे। रिश्तेदार क्या कहते थे? रिश्तेदार भी यही कहते थे, जिसकी वजह से हमारे घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। अटैक बढ़ रहे थे, बार बार मिसकैरेज होना, मन में बहुत ख्याल आते हैं कि मैं शायद कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगा। आप डॉक्टरों के पास गए, क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने लास्ट बार मुझे यही बोला था कि आप बेबी प्लान मत करना। कितने मिसकैरेज हुए हैं आपके? मेरे 5। 5 मिसकैरेज हुए? जी ब्रदर। क्यों कह रहे थे डॉक्टर कि आप दोबारा बेबी प्लान ना करना? वो बोलते थे कि बार बार मिसकैरेज होने की वजह से आपका यूटरस कमजोर हो गया, जिसकी वजह से आप बेबी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दोबारा करेंगे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। जी ब्रदर। तो जब डॉक्टर ने साफ ही आपको मना कर दिया कि आप दोबारा बेबी प्लान मत करना, क्योंकि हर हर परिवार में हर एक माँ मैरिज के बाद में हर एक लेडीज या कह लो जेंट्स के मन में ये होता है कि उन्हें परमेश्वर ब्लेस करे, उनके पास भी बेबी हो, तो डॉक्टर जब साफ जवाब दे दिया तो क्या आया मन में उस समय? उस समय यही कि शायद यही हमारे लिए यही है। तो आपने अपने हस्बैंड से भी उस दौर और दौर से आप गुजरे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो क्या सोचते थे? हम बस परमेश्वर से आस रखी थी कि प्रभु जो भी करेगा अच्छा करेगा। उसके बाद हमारे दिल में ऐसी कई बातें आती थी, फिर हम मैं भी चर्च आना शुरू होगी, जब प्रभु की ब्लेसिंग आई उसके बाद सब ठीक हो गया। लोग आपके हस्बैंड को ताने मारते थे? जी ब्रदर। कि इसकी पहली मैरिज भी सक्सेस नहीं हुई है, बेबी नहीं हुआ है। जी ब्रदर। बेबी ना होने के कारण इनकी लाइफ ऐसी है, और सेकंड में भी सेम ऐसे हो रहा है। जी ब्रदर। तो क्या सोचते थे उस समय, वो क्या मन में आता था उनके? वो सुसाइड करने के बारे में सोचते थे। उनके मन में आता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं? जी ब्रदर। कभी उन्होंने कोशिश भी की? जी ब्रदर। आप बताएं, खुल के बताएं बहन, क्या क्या हुआ आपकी लाइफ में? वो कई बार घर से चले जाते थे, तो बोलते थे मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कभी गाड़ी के पीछे बोलते मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा। वो इतने निराश रहते थे, परेशान रहते, क्योंकि लोगों के पास जब आप बेबी देखते थे तो क्या आता था मन में? ये बोलते थे कि प्रभु हमें देगा, पर मैं सोचती थी पता नहीं होगा कि जा नहीं होगा, पर इनके मन की इच्छा थी कि हमें प्रभु ब्लेस जरूर करेगा। वो विश्वास रखते थे, पर आपकी आशा बिल्कुल टूट चुकी थी कि शायद अब मेरे कभी बेबी नहीं होगा। जी। क्योंकि 5 बार मिसकैरेज होना, बार जी, बार जी, और सेम अटैक बढ़ने, बुरे ख्याल आने, दुष्ट आत्मा के डर से खेल आना, दबाव पड़ने, और उसके कारण बार बार मिसकैरेज होने से आप बिल्कुल मतलब टूट चुके थे। जी, और रिश्तेदार क्या कहते थे, कभी पूछते थे रिश्तेदार, जहाँ
बाहर कोई लोग पूछते हैं कि आपके पास बेबी नहीं है, क्यों नहीं है बेबी, क्या परेशानी है? पूछते सब थे, पर उनकी वजह से ना झगड़ा हो जाता था, लड़ाई लग जाती थी कि आपके बेबी नहीं है, आपका होगा नहीं, ऐसे बोलते थे हमें। तो आप हमेशा परेशान रहते थे, अकेले बैठे रहना, दिमाग में निराशा रहती थी, और जैसे डिप्रेशन में कोई रहता है अकेले रहना या? जी ब्रदर। तो सिस्टर इतने ज्यादा परेशान थे, बार बार मिस कर, जो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, उस समय फिर चर्च के साथ कैसे विश्वास बढ़ा, कैसे आप चर्च के साथ जुड़े? चर्च ना मेरे ब्रदर आते थे एक, उन्होंने इस चर्च के बारे में बताया था, फिर 2018 में मेरा बैप्टिज्म हुआ, उसके बाद। आपके ब्रदर ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? जी ब्रदर। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चर्च में चलो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जी ब्रदर। आप चर्च आए, गवाहियां सुनी, वचन सुना, क्या महसूस किया? क्योंकि आपका विश्वास तो बिल्कुल टूट चुका था, आप सोच चुके थे, मन में यही था कि अब शायद नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब आपके बेबी नहीं होगा। जी ब्रदर। तो क्या लगा मन में, क्या आया दिल में? आप जब मैं चर्च आती थी, वचन सुनती थी, तो मन में शांति मिलती थी, तो मन में एक नई आशा जो कहते हैं कि वो थी कि हम भी ब्लेस होंगे, हमें भी बेबी मिलेगा, हम भी ब्लेस होंगे। जैसे जैसे आप चर्च के साथ जुड़ते रहे, वचन में बढ़ते गए, विश्वास बढ़ता गया कि खुदावन यहाँ से, आप सालों से लोग जो अपनी लाइफ से परेशान है, डिस्टर्ब हैं, सालों हो चुका है बेबीज नहीं है, आप उन्हें ब्लेस करते हैं, मुझे भी ब्लेस करेंगे। जी ब्रदर। ये बहन का विश्वास था, इनके हस्बैंड का विश्वास था, इन्होंने बैप्टाइज लिया, परमेश्वर में बने रहे, वचन के साथ बढ़ते गए, और 26 जुलाई 2020 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर तरह का रोग, बीमारियां, कमजोरियां आपके शरीर को छोड़ के चली जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गर्भ के रोगी आजाद हो, गर्भ के सारे बंधन टूट जाएं, गर्भ सब ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से, जो ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और सिस्टर उस दिन जब आप प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, खास प्रार्थना की गर्भ के विषय में, तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक जो मुझे होते थे वो खत्म हो गए और मैं ठीक हो गई। और उसके बाद जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, और सितंबर 2020 को परमेश्वर ने आपको सिक्स टाइम आप प्रेग्नेंट हुए। जी ब्रदर। और क्या हुआ फिर प्रेगनेंसी के समय में, कैसे रहा, आप खुद बताएं। ये प्रभु की ब्लेसिंग थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे 3 महीने के बाद पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब 3 महीने के बाद आपको ये पता लगेगा आप प्रेग्नेंट हो, तो क्या आया मन में, कैसी खुशी थी, वो माहौल कैसा था उस समय? वो बहुत अच्छा टाइम था, वो मैं बयान ही नहीं कर सकती वो टाइम कैसा था, कि मुझे प्रभु ने इतनी देर के बाद ब्लेस किया, वो भी बेबी बॉय के साथ, तो मैं बहुत खुश थी। ये इस परिवार में जो ब्लेसिंग आई है उस प्रार्थना के बाद से आई, जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आप शौक थे, आपने हस्बैंड को भी बताया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या क्या रिएक्ट था उनका? हम तो बहुत खुश थे जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के समय में आपको सेफ रखा, और पूरी टाइम पर डिलीवरी हुई, तो परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, ये बहुत अद्भुत गवाही है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना है, ये कोई नॉर्मल नहीं है। उस परिवार में ये एक कर्स की तरह था, दुष्ट आत्मा के अटैक होना, वो पहले मैरिज हुई, बेबीज नहीं है, उसके बाद वो मैरिज खत्म हुई, और फिर सेकंड मैरिज हुई, और इस परिवार में ये बेबी, जो बेबी बॉय आपको परमेश्वर ने दिया है, ये 13 साल के बाद हुआ है। जी ब्रदर। क्या कहते थे लोग, अब कैसा लोगों का देखने का नजरिया था, क्या बोलते थे लोग उस समय? फिर आप जब भी वो देखते हैं बोलते हैं इतना अच्छा बेबी है, ये प्रभु की ब्लेसिंग है। मैं खुद बोलती हूँ कि ये प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, ये प्रभु की ब्लेसिंग है। सब जिंदगी में वो इतनी बड़ी गवाही है ना, जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो सिस्टर आप अभी आनंदित हैं, परिवार में सब कुछ सेटल है परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा? जी ब्रदर, जब से ये मेरा बेबी आया ना, इसने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर ली है। और
अब ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनकी लाइफ में ये सेम प्रोसेस चलता है, उनकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम चलती है, तो क्या कहना दे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चर्च में आओ, वचन सुनो और गवाहियों को देखो, प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है जो हम सोचते भी नहीं है, प्रभु हमारी जिंदगी में वो काम करता है, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा आपके साथ भी होगा। थैंक यू जीसस, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर जो काम कर रहा है वो अद्भुत है, और ये तो झूम के नाचते हुए उसकी आराधना करने का समय है क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। डॉक्टरों ने तो बोल दिया था कि आपके कभी बेबी नहीं होगा, उन्होंने तो साफ जवाब दे दिया था, पर जब परमेश्वर की हजूरी में है तो परमेश्वर ने वो करके दिखाया जो अनहोना था डॉक्टरों के लिए, आपकी खुद की लाइफ में जो बिल्कुल खत्म हो था वो परमेश्वर ने अद्भुत काम आपके जीवन में करके दिखाया है। हाँ, जी ब्रदर। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें, सब जन अपनी जुबान को होंठों को खोलते हुए तालियों के साथ खुदा का थैंक्स करते हुए तारीफ करते हुए इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से सुना, 5 बार मिसकैरिज हुए, 13 साल के बाद ये बेबी इस परिवार में आया है और परमेश्वर ने इनको आनंदित किया है। थैंक्स करें, तारीफ करते हुए, मेरा विश्वास है अगर आप इस ग्रेस के साथ पूर्ण विश्वास से पवित्रता से पूरे मन से जुड़े हुए हैं तो आपको खुदा छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर आपको खुद की आशीषों के साथ ब्लेस करेगा, आप निराशा में नहीं बल्कि आशावान होके प्रभु में आनंदित जीवन जिएंगे। सब अपने घुटनों पे आ जाओ, हाथों को उठाते हुए गहर भाषा में प्रार्थना करें सब जन। टीम अपने हाथों को उठाएं, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं सब जन अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर हम तेरी आज इस पवित्र हजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सांसें, ये हजूरी, ये प्रेजेंस तेरी अद्भुत है।
धन्यवाद देते हैं सब जन क्योंकि खुदा हम तेरा ध्यान करते हैं अपने आप के लिए अपने परिवार के लिए ये सांस ये प्रेजेंस ये हजूर तेरी अद्भुत है क्योंकि वचन कहता है बाइबल कहती है अगर तू ना चाहे परमेश्वर तो कोई भी जन तेरी हजूरी में प्रवेश नहीं कर सकते तेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है ये तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम सब इस हजूरी के साथ जुड़े हैं परमेश्वर हम तेरा थैंक्स करते हैं तेरा धन्यवाद देते हैं वो सब गिफ्ट वो सब आशीष जो आपको खुदा ने दी जिस आनंद को आपने उसकी हजूरी में पाया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं जितने ऑनलाइन हैं जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को अपने सामने रखते हुए पूरे फायर के साथ इस प्लेस से पवित्र स्थान से इस प्रार्थना पहाड़ से हम उन सब लोगों को आज टच करते हैं जिनके जीवन में सुसाइडल थॉट चलते हैं बीमारियां हैं वो सालों से उनके कर्ज चल रहा है बाप दादे सेम बीमारियों के साथ मरे और सेम उनके माँ बाप फिर उनके ऊपर सेम अटैक हो रहे हैं वो सब दुष्ट आत्मा के अटैक वो जादू टोना वो तंत्र मंत्र जो भी उनके ऊपर किया गया है जो शैतान के द्वारा उनको उनको निराशा में दुख में परेशानी में रख रहा है जो फेलियर में रखता है हम कमांड करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन सब लोगों को अपने हाथों से टच करते हुए कि हर एक बीमारी हर एक दुष्ट आत्मा हर एक कर्स होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस के एक एक परिवार को एक एक जन को इनके सिस्टम को इनके साथ जो कुछ भी जुड़ा हो इनकी फैमिली को इनकी जॉब को इनके बिजनेस को इनके पशुओं को जो कुछ भी इन परिवारों के बीच में है इनकी लाइफ में है एक एक जन जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं हम उन्हें टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फायर को रिलीज करते हैं टच करते हैं हर बीमारी हर रोग हर सिकनेस हर कमजोरी हर रुकावट यीशु के सामर्थ्य नाम से आउट हो जाए निकल जाए होली को फायर Out of the way! 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 Out of the way!
उठा उठा उन परिवारों को, उन भाइयों को, उन बहनों को छूते हैं जिनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। शैतान ने उनकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है। उनकी लाइफ में आशीषें नहीं है, उनकी लाइफ में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा है। दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं, मगर शैतान जो उनके बीच में है वो उनको एक मन नहीं रहने देता। उनकी खुशियां चुराता है, उनकी आशीषों को चुरा रहा है, उनके आनंद को चुरा रहा है। हम आज कमांड करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उन सब लोगों को आत्मा में टच करते हुए, हर वो प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर वो दुष्ट आत्मा जो शैतान इनके बीच में, इनके रिश्तों में है, परिवारों के बीच में है, जो टूटे हुए, बिखरे हुए, यीशु मसीह के नाम से वो जुड़े, हर वो दुष्ट आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए, को उठाओ। हर वो दुष्ट आत्मा को, इन सब लोगों को अपनी आंखों के सामने रखते हुए पूरे जोर से, गुस्से से डांटना है। हर वो दुष्ट आत्मा जो नशे का है, पाप का है, चोरी का है, चुगली का है, चुराने वाला है, जो घात करने वाला है, जिसने कारण ये परिवार, ये घराने शर्मिंदगी में है, जो इनकी सेहत को खराब कर रहा है, हर वो दुष्ट आत्मा, आज हम इस जगह से इस फायर के द्वारा तुझे कमांड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक एक जीवन से, एक एक परिवार से, इनके बच्चों से, नौजवानों से, इनके बुजुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Out of the day.
अपने हाथों को उठाएं, जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जहां जहां भी आप बैठे हैं, अपने परिवारों में, घरों में, चाहे बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, जहां पर भी जुड़े हैं, सबको अपनी आंखों के सामने रखते हुए आप लोगों ने अपनी बीमारियों को बीमार जगह पर हाथ रखते हुए पूरे गुस्से से डांटना है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम, हर बीमारी का, हर एक चीज का, हर छुटकारे का हल केवल प्रभु यीशु मसीह है। वचन कहता है, बाइबल कहते हैं, परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को जो जकड़े हुए थे उनको आजाद किया, बुद्धि दी, जिनके पास बुद्धि नहीं थी, जिनके पास बच्चे नहीं थे उनको बच्चे दिए। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आज हम इस पवित्र प्लेस से, प्रार्थना पहाड़ से, एक एक जन को, बीमारियों का टीम, नाम लेते हुए, एक एक बीमारी का नाम लेते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में कमांड करेंगे। याद रखे, वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों का क्या हूं, सृजनहार हूं। आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में, जो कुछ अपनी जुबान से एक ईमान के साथ, विश्वास के साथ मांगोगे, खुदा आपके लिए करेगा। वो करेगा। आप डांटेंगे ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्माएं जाएंगी। एक एक बीमारी का नाम लेते हुए हम कमांड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सब बीमारियां इन परिवारों के, इनकी लाइफ से शापित हो। Be healed in the name of Jesus. Sab change ho jao, change ho jao. Be healed in the name of Jesus.
सब अपने हाथों को उठाएं। ऐसे जन ऐसे लोग जब हम बाइबल को पढ़ते वचन को पढ़ते थे, बाइबल बयान करती है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, उन्हें उनको चुना, उन्हें आदेश दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चले। वो आज आपको भी खुदा चाहते हैं। बाइबल वचन कहता है कि मेरे धर्म की, मेरे राज्य की खोज कर, मेरे मार्गों पर चल। परमेश्वर चाहता है वो आपको अपनी आत्मा से भरना चाहता है। वो आपको उसने का जो मेन मकसद है धरती पर भेजने का, वो चाहता है वो आपकी लाइफ में वो योजना, वो प्लानिंग पूरी हो। अगर आप मन बना चुके खुदा की सेवा करने के लिए, अगर आप कर भी रहे हैं, तो आज हम टीम एक मन होके अपने हाथों को उठाते हुए आत्मा में इन सब भाई बहनों के लिए, वो खुदा के दास दासियों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा से उन्हें भरे, हर वो कमजोरी का आत्मा, हर वो चीज जो उन्हें पीछे को खींचती है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो डिस्कनेक्ट हो। खुदावंद उन्हें दलेरी का आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा से भरे। एक एक जन को वचन मांगोगे दिया जाएगा, जब आप मांगोगे खुदा भरेगा, वो अपने वायदों को पूरा करेगा। जब आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, जब आप उसके वचन को अपने दिल में, अपने हृदय में लेके बढ़ेंगे, जब आप तय करेंगे कि हम परमेश्वर तेरे राज्य के लिए चलेंगे, तेरे कामों के लिए बढ़ेंगे, एक एक जन को आत्मा में टीम उनके लिए प्रार्थना करते हो। परमेश्वर की सामर्थ से भरे, प्रभु का आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की सामर्थ इनके जीवनों में आए। भर जा, उठाओ ऐसे लोग जिनको गले का रोग है, कानों का रोग है, आंखों के रोग है, सर का रोग है, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें टच करें। वो सामर्थ जो चंगा करने वाली, जो जीवित करने वाली है, जो मुर्दों में जान डालती है, वो सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, इन्हें टच करे। और हर वो बीमारी, हर वो कमजोरी, चाहे वो जन्म से है, चाहे किसी और कारण जहां अभी है, जिनके भी जहां जहां भी आपकी बीमारी है, अपने बीमारी वाली जगह पर हाथ रखते हुए कानों के रोगों के लिए, आंखों के रोगियों के लिए, गले के रोगियों के लिए, सर के रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह की सामर्थ्य ने टच करे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जा।
चक्के हो जाओ, चक्के हो Thank you, Jesus. 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 जहां भी हैं आप सब जन थैंक्स करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन, क्योंकि उससे बड़े और अद्भुत कामों के लिए जो काम परमेश्वर लगातार हमारे जीवनों में करता है, हालेलुया। हम लगातार देखते हैं ऐसी बहुत सारे लोगों को जो परमेश्वर की हजूरी से विश्वास के साथ जुड़ते हैं, खुदा उन्हें हील करता है, उन्हें चंगा करता है। और आज भी हमने पहले भी गवाहियां सुनी है और लगातार हम सुनते हैं कि परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा जो उनके ऊपर मसा है, सामर्थ्य, जो ग्रेस है, उस ग्रेस के द्वारा परमेश्वर लोगों की जिंदगी को छूता है, उन्हें आजाद करता है, उन्हें चंगा करता है। हालेलुया। आज भी हमारे बीच में ऐसी कुछ गवाहियां हैं जिन्होंने घर बैठे परमेश्वर की हजूरी को अपनी लाइफ में चखा है, जिन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने उन्हें छुआ, उन्हें हील किया है। प्रभु अद्भुत रीति के साथ काम करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपकी लाइफ में खुदा काम करता है तो आप उसकी महिमा के लिए अपनी गवाहियां, अपनी टेस्टिमनियों को जरूर शेयर करना है। आइए पहले हम देखते हैं ऐसे ही कुछ गवाहियों को जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी और अद्भुत रीति के साथ काम किया है। सबको जय श्री की। मेरा नाम परमजीत कुमार है और मैं पठानकोट से हूँ। और मेरी गवाही ये है कि पिछले ना कोई 5-6 महीने से मेरे को एक एलर्जी थी, जो कि स्किन प्रॉब्लम, जो कि मतलब मेरे खांस बहुत ज़्यादा होती थी। और जब भी मैं प्रेयर माउंटेन को अटेंड करता था तो प्रेयर वॉरियर टीम और पापा जी यही बोलते थे कि खुदा का दास कि स्किन डिसीज आउट। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर टच करते हुए, हील करते हुए लोगों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर हर एक रोग को डांटते हुए, श्राप को डांटते हुए, बीमारी को डांटते, कैंसर को, एड्स को, स्किन के रोगों को कमांड करेंगे। एक एक रोग को जो दुश्मन है, जो खुदावंद के शरीरों में, ये खुदावंद के एड्रेसेस पे नहीं होना चाहिए, कमांड करेंगे, फायर से निकालेंगे इसे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं अपने लिए रिसीव करता था, तो खुदा का धन्यवाद कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और इस गवाही के लिए मैं खुदा के दास का और प्रेयर वॉरियर टीम का थैंक करता हूँ। सबको जय। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये गवाही मेरी मम्मी के लिए है। बीते कुछ महीने से मेरी मम्मी के बॉडी में ब्लड की कमी होती जा रही थी, लगातार ब्लड में कमी होती जा रही थी। जब भी हम लोग टेस्ट करवाते थे उनका ब्लड हमेशा कम ही आता था। और हम लोग प्रेयर माउंटेन से लगातार जुड़े हुए हैं, डेली हम लोग प्रेयर माउंटेन अटेंड करते हैं।
और एक दिन जब प्रभु के दास ने ब्लड के रोगियों के लिए प्रेयर किया, ब्लड के रोग, हार्मोनल रोग, इन द नेम ऑफ जीसस, सारे रोग यीशु मसीह के नाम में आउट करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, अपनी लाइफ से, बॉडी से, सिस्टम से राइट नाउ कमांड करो ऊंची आवाज। मैंने वो प्रेयर अपनी मम्मी के लिए पूरी फेथ के साथ रिसीव किया, और जब हाल ही में हम लोगों ने अभी हाल ही में मम्मी का ब्लड टेस्ट करवाया तो मम्मी का ब्लड नॉर्मल है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को जय मसीह की। मेरा नाम अरविंद है और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, और मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 4-5 साल से मुझे पाइल्स की समस्या थी, और मुझे टॉयलेट की जगह से जब भी टॉयलेट करते बहुत ज़्यादा खून आता था और बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैं ज़्यादा टाइम जो है ड्राइव नहीं कर सकता था और बैठ नहीं सकता था, तो उस वजह से मैं बहुत समस्या में था। मैंने बहुत जगह से देसी और प्राइवेट दवाइयाँ ली, पर कोई आराम मुझे नहीं मिला। और हम अपने घर से लगातार जो है प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड करते हैं, और प्रभु के सेवकों ने जब पिछले हफ्ते प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे छू के चंगा किया, गर्माहट महसूस हुई और एकदम से मैं चंगा हो गया। अब मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूँ। अब मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई खून नहीं आता है। सारी आदर महिमा प्रभु के नाम को मिले। आमीन। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हैं, क्योंकि ये अद्भुत है, ये ग्रेस अद्भुत है, ये मसा अलग है। परमेश्वर ने अपने नबी को खड़ा किया लोगों को छूने के लिए, उन्हें आजाद करने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। तो जैसे इन लोगों ने अपने घरों में ही इस ग्रेस का ऑनर करते हुए विश्वास के साथ सब मसा को, सामर्थ को, उन प्रार्थना के उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, खुदा ने छुआ है। हमारा विश्वास है आज भी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को खुदा ने टच किया है, छुआ है आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए। तो आपकी लाइफ में जहां भी खुदा ने काम किया है, जिस हिस्से में भी, आपकी हेल्थ के विषय में, जॉब के विषय में, परिवार में, जहां कहीं भी, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं तो खुदा आपको और बड़ी बड़ी आशीषों के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। तो जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जात धर्म नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। वो जीवित परमेश्वर, वो आपकी लाइफ को आनंद से भरने के लिए आया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जो आपको जिंदगी देने के लिए आया है। हालेलुया। तो आपने जब आप बाइबल को पढ़ते तो एक बार भी बाइबल में नहीं लिखा गया कि ईसाई कोई धर्म है। उसने कहा मैंने जगत से प्रेम किया, मैंने जगत को बचाने के लिए अपनी जान को दिया है। हालेलुया। तो जरूर है जो विश्वास करता है खुदा के अनुग्रह को लेता है। तो आप लोगों ने भी विश्वास के साथ परमेश्वर के हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में लगातार रहना है। खुदा आपको छुएगा। जितने भी जन हमारे साथ नए हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाते हुए हमारे साथ प्रार्थना में जाएं, कहें हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, फजल के लिए। आप अद्भुत हैं, आपकी हजूरी अद्भुत है, आपका आनंद अद्भुत है परमेश्वर। पहले मैं नहीं जानता पर मैं जान चुका हूँ आप ही जीवित परमेश्वर, मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें, खुदावन मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी के हर हिस्से में आपको, मैं आपको इनवाइट करता हूं, सब कुछ आपको डेडिकेट करता हूं, जान चुका हूं, जान चुकी हूं, सिवाय यीशु के कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं। पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर अनुग्रह करें, परमेश्वर जात धर्म नहीं, जात धर्म नहीं बल्कि इंसान को, इंसान की जिंदगी को, उसकी जिंदगी जो पाप में ही है, जो बीमारियों में है, जो दुखों में है, उसको बदलने के लिए परमेश्वर, परमेश्वर थैंक्स करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार करें, स्वीकार करें। आज से आपको अपना उद्धार करता हूं, परमेश्वर ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, ग्रहण करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगना। आमीन।
आमीन। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका वेलकम है, स्वागत है। ये अद्भुत हजूरी में परमेश्वर अगर आपको लेके आए, इसका मतलब खुदा आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। हालेलुया। तो जहां जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। और भी जो बीमार लाचार है, परेशान है, दुखी है, पर बीमारियों में है, हॉस्पिटल्स में है, उन सब लोगों को आप बताएं कि वो जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी का हिस्सा बने। और जब वो इस हजूरी से जुड़ेंगे, खुदा उनको छुएगा, उन्हें आशीषित करेगा, उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। जीवित हजूरी जहां पर आप खुली आंखों से देखते हैं अब खुदा के बड़े अद्भुत कामों को लोगों की जिंदगियों में होते हुए। हालेलुया। तो लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और दूसरों को भी बताएं कि वो रोज, जैसे कि 8 से 9 प्रेयर माउंटेन संडे थर्सडे मीटिंग्स में खुदा आपको छुएगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो जरूरी है परमेश्वर की अद्भुत हजूरी में बने रहने के लिए। आप जैसे जानते हैं लगातार डिलीवरेंस मीटिंग चल रही है, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थनाएं घोषणाओं को जिसने भी रिसीव किया है, परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया है, चाहे वो उनकी गरीबी, बीमारी, परेशानी, चाहे कर्जे के विषय में हो, जहां जहां भी जिसने भी दिल से विश्वास किया है उसने परमेश्वर की अनुग्रह को पाया है अपनी लाइफ में। हालेलुया। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपनी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं कि जैसे हम इस डिलीवरेंस मीटिंग में एंटर हुए, प्रार्थना रिसीव की, ले हैंड हुआ, जैसे वो सामर्थ्य टच हमें मिला, परमेश्वर ने हमें छुआ, हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे घराने बदल गए हैं, हमारी लाइफ बदल गई है। तो आप लोग भी अपनी गवाहियों को जरूर रिकॉर्ड करके भेजें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जहां जहां भी काम किया है, छोटा बड़ा, क्योंकि ये तो अद्भुत है, ये हजूरी अद्भुत है। परमेश्वर आपको अलग करने के लिए आया, आपकी जिंदगियों को ब्लेस करने के लिए आया है, आपको आशीषित करने के लिए आया है, आपको पाप से, बुराई से, बदी से अलग करने के लिए आया है। तो आप अपनी जीवन में जो भी गवाही है उसको जरूर शेयर करें। जो टेस्टमनी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन टेस्टमनी नंबर पर अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। और जरूरी है ये मीटिंग्स को कोई भी जन मिस मत करें। थर्सडे संडे लगातार लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा एक एक जन के ऊपर लेहन प्रार्थना हो रही है। इस प्रार्थना को, इस सामर्थ को, इस मसा को, इस सामर्थ्य टच को मिस मत करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें क्योंकि ये आपके छुटकारे, आपकी चंगाई, आपकी हीलिंग का समय है। जो आपने सालों से दुहाई दी है परमेश्वर का, खुदा को पुकारा, ये उस प्रार्थनाओं का उत्तर है कि खुदा ने अपने दास के द्वारा आपको टच करना और छूना, आपको आजाद करना है। हालेलुया। तो मिस मत करना, लगातार प्रार्थना में बने रहना। और जैसे कि प्रार्थना महोत्सव चल रहा है, 365 दिन की प्रार्थना चल रही है, लगातार बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बन रहे हैं। तो आप लोगों ने भी लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना है, इस प्रार्थना का हिस्सा बनना है, फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। परमेश्वर आपको छुएगा, आपको आशीषित करेगा। लगातार जीवित हजूरी में आने वाले लोगों ने ही अपनी जिंदगियों में आनंद को पाया है। तो हम आप सबको इनकरेज करते हैं जीवित हजूरी का हिस्सा बनने के लिए, कि जीवित हजूरी जहां वचन पूरा होता है, कहा नहीं जाता बल्कि पूरा होता है। ये नहीं कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया था, बीमारों को चंगा किया था, नहीं, वो आज भी करता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, वही जीवित परमेश्वर है। और ये वो हजूरी है जहां आप देखते हैं लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को देखते हुए, बीमारों को जो बेड पर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वो परमेश्वर की हजूरी के साथ जैसे जुड़ते खुदा उन्हें छूता है, उन्हें आजाद करता है। तो आप भी जीवित हजूरी का हिस्सा बने। जैसे कि हमारी मेन चर्च का एड्रेस आपकी हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, फुल एड्रेस है चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर हेड चर्च जो जलंधर में है। आप नकोतर रोड नियर टीवी टावर विलेज खामरा जलंधर में आप इस चर्च में भी आ सकते हैं। और पंजाब में बहुत सारी हमारी ब्रांचेज हैं जिसका एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये सब ब्रांचेज हैं। आप इनके आसपास कहीं पर भी रहते तो आप इन ब्रांचों में जाएं, वहां पर जाके परमेश्वर की सेम ग्रेस को अपनी लाइफ में रिसीव करें, परमेश्वर आपको छुएगा। पंजाब के बाहर भी हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इंडिया में बहुत सारी, और भी जहां जो आपको एड्रेस हम दिखा रहे हैं अलग अलग जगह पर, वो ब्रांचेज जहां सेम ग्रेस, सेम मसा काम करता है और लोग अपनी गवाहियों को वहां से ही रिसीव करके अपनी लाइफ में परमेश्वर के मसा को भेजते हैं कि खुदा ने हमें छुए, हमें आजाद किया है। तो आप इन ब्रांचेज में जाके भी परमेश्वर के जीवित हजूरी का हिस्सा बन सकते हैं, इस मसा को ले सकते हैं। इंडिया के बाहर भी हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, विदेश विदेश में, फॉरन में, बहुत सारे देशों में, ऐसे देश जहां 4-5 ब्रांचेज ओपन हो चुकी हैं। आप इन एरिया में जहां कहीं भी, इन देशों में रहते हैं, ये आपके लिए बड़ी बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर के द्वारा कि खुदावंद ने इस ग्रेस को आपके आपके नजदीक लेके आया है ताकि आप इन ब्रांचेस में जाके खुदा के ग्रेस को ले पाएं और मसा ले पाएं और परमेश्वर आपको आजाद करें। आप इन ब्रांचेस में जाएं, अपनी उस ग्रेस को लें अपने परिवारों के लिए, अपने जीवनों में,
तो खुदा आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके घराने बदलेंगे, आपकी जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। तो लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, प्रेयर माउंटेन के साथ लगातार जुड़े रहें, और भी लोगों को आपने बताना है परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए भी। हालेलुया। तो आपने लगातार परमेश्वर की हजूरी में रहना है, परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार करते रहना है। कल को मीटिंग है, कोई भी जन मिस मत करें, बच्चों को, परिवारों को, कोई भी जन, एक भी फैमिली पर्सन आपका घर में नहीं होना चाहिए, प्रभु के घर में होना चाहिए, क्योंकि खुदा कल छुएगा आपको, एक एक जन को अपने दास दासी के द्वारा, और आप बड़ी ग्रेस को देखें, मसा को देखें, चंगाई, हीलिंग को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, आजादी को पाएंगे, बड़े आनंद को पाएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास है जो विश्वास से जुड़ेंगे खुदा उन्हें छुएगा, उन्हें आशीषित करेगा, और हमारा विश्वास है जैसे आप इस ग्रेस में बने रहते हैं परमेश्वर आपको आशीषित और ब्लेस करेगा, और लगातार हम आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ते हैं, मिलते रहेंगे प्रभु की जीवत हजूरी में। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालने परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बैंड पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे चार नंबर दिए गए इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, जीपे के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप इसे जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर तीन कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति। यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुरुल्ला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
आशा सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु ही जीवन यीशु ही आशा मेरा तू ही